हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्नेहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक फूड विद स्नेहा में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि इस रेसिपी को मैंने बनाया है आटे से। यहां पे मैंने स्टफ्ड पिज़्ज़ा ब्रेड बनाई है आटे का यूज़ करके, और इसे मैंने बनाया है गैस पर ही, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है, बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट होने वाली है। एक बार इसी तरीके से आप इस रेसिपी को बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं अपने पिज़्ज़ा का डो। यहाँ पे हम लेंगे 2 कप के करीब आटा और साथ ही में 1/2 कप मैदा। यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन यूज़ की है, जिसे मैंने क्रश करके डाला है। साथ ही में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को आप पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी की जगह दूध यूज़ किया है, जिससे हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हम दूध डालेंगे और अपने आटे को बढ़िया से गूंथ लेंगे। आटा आपका ज़्यादा ढीला या ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्मल रोटी का आटा हम बनाते हैं उसी तरीके से आपको इसे गूंथ लेना है। यहाँ पे मैंने दही, सोडा, ईस्ट कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बस 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसी से हमारा एक बढ़िया डो बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो अच्छे से बनके तैयार हो गया है। इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसे कम से कम 15 मिनट के लिए ढक के साइड कर देंगे। आटे को रेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से अपने आटे को गूंथ लिया है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक अपनी बना लेते हैं स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने बहुत ही बेसिक सी सब्ज़ी यूज़ की है, ये सभी के घर पे नॉर्मली होती है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटी गाजर, 1 मीडियम साइज़ की चॉप्ड कैप्सिकम, 1 चॉप्ड ऑनियन और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। साथ ही में हम डालेंगे हरा धनिया और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ यूज़ की है, और साथ ही में हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब चिंग्स की चटनी, और इसके ऊपर हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद की कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो कैबेज या फिर येलो या फिर रेड कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही बेसिक सब्ज़ी डाली है जो नॉर्मली सभी के घर पे होती है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे मेयोनीज़ की मात्रा थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने 1/2 चम्मच के करीब मेयोनीज़ और ऐड की है, यानी कुल 1.5 चम्मच हम इसमें मेयोनीज़ डालेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी टेस्टी स्टफिंग बन के तैयार। इसमें हम चीज़ बाद में ऐड करेंगे। तो अपने आटे को भी रेस्ट हमने करा दिया है, ये बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं, इसे एक बार बढ़िया से हम गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आटा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, चलिए इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी मोटी साइज़ की लोई लेंगे। इस क्वांटिटी में हमारे 5 पिज़्ज़ा ब्रेड बनके आराम से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने पिज़्ज़ा ब्रेड को बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम स्टफिंग में डाल देंगे चीज़। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल 1 चीज़ क्यूब यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ को ग्रेट करके डाला है और अच्छे से स्टफिंग में अपनी चीज़ को मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग बिल्कुल बन के तैयार है, तो चलिए अपने पिज़्ज़ा ब्रेड बनाते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 1 लोई और हल्का सा तेल लगाएंगे इसके ऊपर। बिना आटा डाले ही आप इस रोटी को बढ़िया से बेल लीजिए आराम से, और आसानी से ये रोटी हमारी बेल जाएगी। रोटी का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, और इस तरीके से गोल रोटी हम बेल लेंगे। तो रोटी ज़्यादा पतली और बड़ी नहीं बेलनी है, बस इसी साइज़ की बेलनी है, थोड़ी मोटी ही रखनी है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप, आप चाहो तो पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन केचप नॉर्मली सभी के घर पे होता है, इसलिए मैंने केचप लगाया है। और साथ ही में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़। तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और अच्छे से अपनी आटे की रोटी में बढ़िया से फैला लेंगे।
किनारों से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम इसे इस तरीके से फैलाएंगे ताकि हमें मोड़ने में आसानी हो। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे अपनी बनाए हुए स्टफिंग। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच के करीब स्टफिंग यूज़ की है, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो फोल्ड करने में दिक्कत होगी और हमारे पिज़्ज़ा बॉम जो हैं वो फट जाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम डाल देंगे यहाँ पे अपना ग्रेटेड चीज़, मोज़रेला चीज़ भी आप आसानी से डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्यूब्स डाल दिया है और बस इसे आपको बढ़िया से दबा के फोल्ड कर लेना है। बहुत ही हल्के हाथ से दबाते हुए हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आटा ऊपर आ रहा है उसे आप थोड़ा सा निकाल दीजिए और अच्छे से इसको दबा दीजिए। और यहाँ पे हो गया हमारा एक पिज़्ज़ा बॉम बनके तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स बाकी का भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पिज़्ज़ा बॉम बना के तैयार किया है। अब हम लगाएंगे थाली में तेल। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली थाली ली है, उसमें हम लगा लेंगे बढ़िया से तेल और इसके ऊपर हम डाल देंगे अपने तैयार किए हुए पिज़्ज़ा ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको अरेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें इसे 15 मिनट के लिए बेक भी कर सकते हैं ओवन में, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे कढ़ाई में ही बना के दिखाया है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई को पहले बढ़िया से गर्म करेंगे हाई हीट पे। इसके ऊपर हम लगा देंगे एक स्टैंड और यहाँ पे हम रखेंगे अपनी प्लेट और प्लेट को अच्छे से आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पे हम दूध को इस तरीके से ब्रश की सहायता से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, इससे हमारी ब्रेड में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और इस बात का ध्यान रखें कि इसके ऊपर आप जो भी लिड लगाएं उसमें से स्टीम ज़रा भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ग्लास का लिड लगा दिया है और साइड में ये जो छेद बना हुआ है इसे मैंने आटे से इस तरीके से दबा के ढक दिया है। तो इस ब्रेड को बनने में कम से कम 30 मिनट आराम से लगेंगे। 15 मिनट आप इसे मीडियम फ्लेम पर पकाइए और 15 मिनट के लिए एकदम गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ब्रेड बनके तैयार हो गई है और कितना सुंदर और प्यारा कलर इसमें आ गया है और हमारी चीज़ भी ऊपर से मेल्ट होके बाहर निकल गई है। तो ये देखिए मैंने इसे गैस पर ही बनाया है और कितने बढ़िया से ये बेक हो गई है और ये बहुत ही गर्म है। तो थोड़ा सा इसे ठंडा करते हैं और इसे निकाल लेते हैं हम प्लेट में। तो यहाँ पे हमारी ब्रेड नीचे से भी बढ़िया से सिक गई है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारी स्टफ्ड पिज़्ज़ा बॉम बनके तैयार है और ये कितनी बढ़िया और मज़ेदार बनी है, चीज़ इसके ऊपर से निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी तरीके से सिक चुकी है, नीचे से भी ये बढ़िया से सिकी है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।